हेलो, वेलकम टू कनिशास किचन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। यह है फुल मील, बट जो यहाँ पे मेन जो आपने थंबनेल में तो देखा ही होगा, बैगन का भरता। वैसे तो बैगन का भरता आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ उसे गैस पे रख कर रखा वैसे ही बनाया जाता है, बट ये स्टाइल जो है ये मैंने गांव के तरीके से बनाया हुआ है। ये मेरी मॉम जो है वो बनाती है कुछ इस तरीके से, और ये बहुत अच्छा भी लगता है खाने में, और इसमें गैस भी ज़्यादा यू नो वेस्ट नहीं होता। बैगन और आलू, ये दो ही इंग्रेडिएंट इंपॉर्टेंट है। टमाटर आप ना डालें वो ऑप्शनल है। इसको कुछ इस तरीके से बड़ा बड़ा कट कर लेना है, बहुत बारीक बारीक कट करने की भी ज़रूरत नहीं है, बड़ा बड़ा कट कर लेना है। तेल में डालना है जीरा, राई, राई भी ऑप्शनल है, वैसे तो राई पड़ता नहीं है बैगन के भरते में, बट जीरा, राई और बारीक कटी हुई कुछ लहसुन और मिर्च। बस इसको आपको अच्छे से फ्राई कर लेना है, पहले थोड़ा मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैंने इसको किसी एक ऐसे बर्तन से ढक करके रखा है जिसमें कि जो इसका स्टीम है वो बिल्कुल स्टीम से ही पक जाए, इसका थोड़ा भी जो धुआं है वो बाहर ना निकले, और ये कुछ 10 मिनट में जो है वो बिल्कुल अच्छे से नरम भी हो जाएगा और वो भरते जैसा हो जाएगा। तो आपको इसको किसी एक ऐसे बर्तन से ढक करके रखना है कि इसका स्टीम जो है वो स्टीम से ही पक जाए और उसकी खुशबू भी जो है वो उसी में रह जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको कुछ इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से ढक करके रख दिया, और बस 10-12 मिनट के अंदर ये जो है इस तरीके से बिल्कुल लाल भी हो चुका है और बिल्कुल पक भी चुका है। तो इसको अच्छी तरीके से इसमें चलाना है। इसमें ना हमें ऐड करना है हल्दी, ना मिर्च पाउडर, ना कोई गरम मसाला, क्योंकि बैगन का भरता एक्चुअली में गांव में ना इसी तरीके से बनाया जाता है, बहुत सादा सुपर सिंपल टाइप में। यहाँ पे मैंने डाला है बारीक कटे हुए कुछ कांदा, एक ही कांदा, और उसके बाद में इसमें डालना है नमक। उसके बाद में इसमें मैंने ऐड किया है नींबू। ये जो नींबू है ये आपको वैसे तो संतरे की तरह ही लग रहा होगा, बट ये नींबू है, ये गांव का नींबू है तो ये इसके लिए बहुत बड़ा है। और एक नींबू इसके खट्टेपन के लिए इसका बिया निकाल देना है, आपको इसके जो बीज होती है वो निकाल देना है, और बस इसको अच्छे से फिर मिक्स कर लेना, चला लेना है। और इसका जो है जैसे हम भरता नहीं होता बिल्कुल एकदम उसी तरीके से इसको कोट करके बहुत अच्छे से इसका भरता बना लेना है, और ये आप स्टोर करके भी अच्छे से इसको आप रख सकते हो। करीबन ये 2 दिन तो आराम से चलेगा, क्योंकि ख़राब होने वाली चीज़ नहीं बनेगी। मोस्ट ऑफ क्या होता है हमारी सब्ज़ियाँ ख़राब हो जाती है क्योंकि उसमें टमाटर वगैरह पड़ा होता है इसके लिए, बट ये ख़राब नहीं होगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है खाने में। आप इसके ऊपर से राई का सरसों का जो तेल है वो ऐड कर सकते हो अगर आपको पसंद हो तो। और ये झटपट में हमारा भरता बनके तैयार है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।